नमस्कार साथियों, जूनियर अकाउंटेंट की जो प्रोविजनल आंसर की आई थी उसके बाद आपने 12 से 14 मार्च तक आपने जो है ऑब्जेक्शन लगाए थे। ऑब्जेक्शन इतनी मात्रा में लगे हैं साथियों कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। आप देख सकते हैं, इस टेक्स्ट मैसेज में देख सकते हैं कि एक एक अभ्यर्थी ने 32 क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगाया ऐसा। अब ये कहने वाले विद्यार्थी हैं, हमारे द्वारा ये जो सवाल नहीं बनाए गए हैं, हो सकता है क्योंकि पेपर का लेवल भी ऐसा ही था और पेपर जो क्वेश्चन थे वो ये नहीं समझ पा रहे हैं, ना तो कोचिंग वाले समझ पा रहे हैं ना अभ्यर्थी समझ पा रहे हैं कि आखिर की में इन सवालों के आंसर है तो क्या है। इसलिए जो लगा उन क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगा दिए। अब बात यह है कि ऑब्जेक्शन लगाने के बाद अब जो आपका बोर्ड है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक्सपर्ट टीम के द्वारा आपके उन ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चनों का निस्तारण करवाएगा और जो क्वेश्चन लगेंगे उनको वो डिलीट करेगा, ना कि बोनस अंक देगा। अब ऐसे कितने सवाल हैं जिनको डिलीट किया जा सकता है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं, कितने क्वेश्चन डिलीट, उसके बाद हम फाइनल आंसर की कब तक और उसके बाद हम कट ऑफ की क्या सच्चाई। तीन बड़े सवालों को मैं विद्यार्थियों के जो कमेंट्सों के माध्यम से देख रहा हूं। सबसे पहले अपन बड़ा सवाल है कि आखिर की में कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे। हालांकि लगाने को तो कसर किसी ने भी नहीं छोड़ी है, किसी ने 10 पे ऑब्जेक्शन लगाया है, किसी ने 5 पे लगाया है, किसी ने 15 पे लगाया है। एवरेज जो है यही क्वेश्चनों का है, 6-7 क्वेश्चनों पर जो है एवरेज निकल के आता है। तो प्यारे अभ्यर्थियों, बात यह है कि कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए बोर्ड जो होता है वो अपनी जो है कमजोरी कभी भी साबित नहीं करेगा, इसलिए ये बोर्ड भी ऐसा है जो क्वेश्चन एक बार मान लेता है तो मान लेता है। ये अपनी बुकों का रेफरेंस दे देता है और जो भी है कहीं से भी इनके पास जो भी बुक होती है उससे सवाल बना के दे देते हैं, उनका रेफरेंस दे देता है। चेंज करे ना करे, डिलीट करे ना करे, डिपेंड करता है बोर्ड पर। तो आपने 32 क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगाए हैं चाहे 10 क्वेश्चनों पर लगाए हैं, जहां तक हमें लग रहा है कमेंट्सों के माध्यम से और जो बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में जिन विद्यार्थियों ने ऑब्जेक्शन लगाए हैं उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। उनकी संख्या मैं बता दूं आपको साथियों, डिलीट होने वाले क्वेश्चनों की जो संख्या है वो 5 से लेकर 7 क्वेश्चन आपके डिलीट हो सकते हैं, अधिकतम 7 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। अब ये कहेंगे कि साथियों कि 7 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते हैं। हाँ, पेपर का जो स्तर था वो इसी प्रकार का था, कुछ के ऑप्शन गलत थे, कुछ के जो है क्वेश्चन गलत थे, कुछ की जो है भाषा की प्रॉब्लम थी, तो ऐसी कई गलतियों के कारण इस पेपर की अगर मैं बात करूँ तो 7 से अधिक भी हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड 2015 में एक बार 19 क्वेश्चन भी डिलीट हुए थे। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 7 क्वेश्चन से ज़्यादा भी डिलीट हो सकते हैं, लेकिन बोर्ड अपनी कमजोरी मैंने कहा ना साबित नहीं करेगा, क्योंकि अब आपको पता है कि कई दिनों पहले अखबार में भी ये खबर निकली थी कि RPSC ने बहुत सारे क्वेश्चन जो है 2016 से और 2023 तक डिलीट किए थे, तो क्यों ना उन क्वेश्चन डिलीट किए उन एक्सपर्टों पर कार्रवाई की जाए, इस तरीके के सवाल उठे थे। तो इसलिए कोई नहीं चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट हो, जो लगेंगे बिल्कुल ही गलत हैं उन पर वो गलत हो सकते हैं। अगर अब एक बात और बता दूं कि अगर बोर्ड जो गलत है उसको डिलीट नहीं करता है और आपने ऑब्जेक्शन लगाया है और आप उसको बदलवाना चाहते हैं, तो आप इसके बाद आप याचिका लगा सकते हैं कोर्ट के माध्यम से, आप इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन वही ले सकता है जिसने ऑब्जेक्शन लगाया है, जिसने नहीं लगाया उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोर्ट के माध्यम से भी आपको लाभ मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है जहाँ तक 5 से 7 क्वेश्चनों को जो है मैं बिल्कुल मानता हूँ कि वो बिल्कुल डिलीट होने लायक है। आप हमें बता सकते हैं आपके अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग 5 से 7 अभ्यर्थियों को जहाँ तक मैंने सोर्स उपलब्ध करवाए हैं टेलीग्राम चैनल पर, आप देख लेना वहाँ पर मैंने डाल रखे हैं, तो मुझे लगा 5 से 7 क्वेश्चन डिलीट। फाइनल आंसर की कब तक, अब मैं बात करता हूं साथियों, अब जो है वो फाइनल आंसर की आपकी अभी नहीं आएगी। जैसे कि कई कमेंट्स मैंने देखे थे कि सर फाइनल आंसर की कब तक आएगी, तो कुछ लोगों ने कह रखा था कि फाइनल आंसर की रिजल्ट से पहले आएगी। तो मैं आपको बता दूं, अब जो है आपका जो है साथियों रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। रिजल्ट आएगा सबसे पहले, अभी तो नहीं आएगा क्योंकि पेपर का लेवल इतना तगड़ा है तो इतने जल्दी तो नहीं देंगे। हालांकि ये जो पेपर बनाया है कॉपी करके बनाया है, जैसे कि BCI का बनाया था, SCI का बनाया था, मतलब कंप्यूटर अनुदेशक का जो पेपर बनाया था, इसरो से ले लिया, नेट से ले लिया, मतलब कॉपी कर करके वो पेपर इतना कठिन बना दिया कि सीटी खाली रह गई। तो इसी तरीके से ये पेपर जो है तैयार किया है, नहीं तो इतने तगड़े एक्सपर्ट नहीं है, तो इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके ये पेपर सेट कर दिया है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि देखो कितना कठिन पेपर था, जैसे मैं आपको कमेंट्स के माध्यम से भी लेना चाहूंगा, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स थे। एक कह रहा है कि सर मेरे फ्रेंड्स ने 32 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाई है, वो बोल रहे हैं 10 से 15 क्वेश्चन डिलीट होंगे, अगर इतने डिलीट हो गए तो मेरी तो गई भैंस पानी, भैंस कह रहा है, ठीक है। एक कह रहा है कि अगर भैया वहाँ एग्जाम देते तो पता चलता कि पेपर कैसा आया, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और कितने सॉल्व करने के बाद भी गलत हो गए और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हुए। जिसने भी अच्छे से पेपर पढ़कर सॉल्व करने की कोशिश की तो OMR CET नहीं भर पाया होगा क्योंकि तो पेपर इतना लेंदी था। एक ने कमेंट्स किया है, पहली बार ऐसा पेपर आया जिसमें पेपर देते टाइम हाथ पैर हिल गए। जो बोल रहे हैं कि फर्स्ट पेपर आसान था, पेपर एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर दो तब पता चलेगा, जिसने पूरा पेपर करने की कोशिश की उसकी OMR भी नहीं भरी होगी। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है ना। एक भाई कह रहे हैं कि भैया
एग्ज़ाम देकर आए थे तब यही माहौल था कि 40% ही लोगों के मुश्किल से बनेंगे, लेकिन और अब हर कोई बोल रखा है कि 55 से 60 बन रहे हैं। ठीक है, कई लोग तो ऐसे मिल जाएंगे कि जो बोल रहे हैं हमने 2 महीने तैयारी करी, हमारे ही 55% नंबर है, जिससे पूछो 500 या 560 या 600 बता रहे हैं। मेरे खुद के OBC से बहुत, मतलब 445 नंबर है। ठीक है, लगता है सबसे कम नंबर मेरे ही है। देखो ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बताऊं, सबसे बढ़िया बात, पहले फाइनल आंसर की पे अपन थोड़ी सी देर बाद बात करेंगे। जो बाज़ार में ये बोल रहे हैं ना कि मेरे इतने आ रहे, मेरे आ रहे, इतने आ रहे, उनकी जमानत जब्त है। पहली बात तो उनका पेपर क्वालिफाई नहीं है। अब वो हवाबाजी कर रहे हैं कि पास तो है नहीं, आपको गुमराह कर रहे, पढ़ने वाले इनको गुमराह कर रहे। हकीकत ये होगी कि जिनको लग रहा है कि मेरे कम आ रहे हैं हालांकि क्वालिफाई है तो आपका सिलेक्शन श्योर है, टेंशन ना लिया। ठीक है, ये बाज़ार में घूमने वाले जो हैं ये गुमराह करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, सेलेक्टेड बच्चे कम होते हैं। तो वो थोड़े से इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग हो जाते ना, ज़्यादा लोग जो हो जाते हैं, जैसे कि आपने मीडिया देखा होगा, हर जगह से हर झूठ को फैलाने का प्रयास किया जाता है, हर तरफ से चारों तरफ से झूठ फैलाने को जो है तैयार होते हैं। तो लोगों को लगने लग जाता है कि वाकई में ये बात सच है। तो वो आपको क्योंकि जो कि पास होने वाले तो बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में वो मन मर्जी से जो नंबर आ रहे हैं वो फेंक रहे हैं अपने हिसाब से। तो कम लोगों को लग रहा है कि यार मेरे तो बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो उससे घबराना नहीं है, टेंशन ना ले, आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। फाइनल आंसर की कब तक आएगी मैं आपको बता दूं, आपका रिजल्ट आएगा पहले, हो सकता है, हम तो उम्मीद यही करते हैं कि 1 गुने का रिजल्ट आए, जैसे कि कंप्यूटर अन्वेषक में 2 गुने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, सीटें खाली रह गई, तो 2 गुने का रिजल्ट ना आकर 1 गुने का आ जाए, मजा आ जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं, लेकिन पहले 2 गुने का रिजल्ट आएगा और 2 गुने के रिजल्ट के बाद ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करवाया जाएगा और उसके बाद जो है आगे चल के 1 गुने का रिजल्ट आएगा, फिर फाइनल आंसर की आएगी, वो भी फॉर्मूले के साथ में। कैसे फॉर्मूले के साथ में? क्वेश्चन डिलीट होंगे, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपको बता दी जाएगी उस समय, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, किस तरीके से डिलीट क्वेश्चनों का नंबर बढ़ा है। सपोज देन मैंने एक दिन और बताया था, जैसे कि आपके क्वेश्चन आए थे 150, ठीक है, 150 में से 10 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो बचे 140, और पेपर एक क्वेश्चन 3 नंबर का था तो आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन 3 नंबर का था तो आप देख लीजिए कि पेपर कितने का हुआ। ठीक है, 450 का हो गया है, ठीक है, 450 का हो गया, तो ऐसी स्थिति में फिर देख लेना कि एक क्वेश्चन का अंक भार बढ़ा दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में आपको नंबर जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पेपर तैयार किया जाएगा। कट ऑफ की सच्चाई क्या? अब देखिए कट ऑफ की सच्चाई मैंने बता दिया साथियों, कट ऑफ की बिल्कुल सच्चाई कुछ भी नहीं है अभी तक, तो किसी को नहीं पता कि किसके क्वेश्चन कितने डिलीट होने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आप घबराएं नहीं, कट ऑफ की बिल्कुल सच्चाई नहीं है। कोई ये कह रहा है कि मेरे 500 आ रहे, मेरे 450 आ रहे, ठीक है, तो अभी स्थिति ये है कि 450 वाले के 500 भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको खुद को ही पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन तो सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, आपने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो बात यह है कि अभी कट ऑफ की कोई सच्चाई नहीं है, डिपेंड करता है बोर्ड पर, बोर्ड कितने क्वेश्चन डिलीट करता है और कितने क्वेश्चनों के ऑप्शन चेंज करता है, उसके बाद आपके जो है कट ऑफ घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो इसलिए आप घबराएं नहीं, आगे की जो प्रोसेस है वो चल रही है, उसका थोड़ा सा आप धीरे बनाए रखें और लोगों की बातों में ना आए, आप अपना जो मनोबल है उसको बनाए रखें। और भी कोई बात है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों, ठीक है, अपने प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।